नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो आज जो जीके एक नज़र है बच्चों, आज मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर पेपर में, तो जितने सारे जो बड़े बड़े देश हैं उनके सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक का नाम क्या है कई बार पूछा गया है। तो मुझे लगा यार क्यों ना मैं ये पूरा का पूरा एक ही क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं उनके सेंट्रल बैंक का नाम क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूं, अपने देश की बात करूं, तो आपको पता है सर यहाँ के सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो सर फेडरल रिजर्व बैंक सिस्टम कहते हैं। वैसे ही जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनके देशों के केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं, और साथ ही साथ उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आओ देखते हैं और समझते हैं कि छोटा सा वीडियो में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त काम करेगा। और ये देखो दो चीज़ें, एक चैनल बनाया गया है जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, बिल्कुल जरूर ज्वाइन करें इस चैनल पे, इस ग्रुप पे, जहाँ पे आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, आप अपने क्वेरी पूछ सकते हो। और ये हमारे शेड्यूल, क्लास का शेड्यूल, जहाँ पे अभी आप जुड़े हो 6:30 बजे जीके एक नज़र में, फिर 9 बजे मेन चैनल वाईफाई स्टडी पे जुड़ते हो रेलवे एनटीपीसी को लेके, 9:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे यूपी लेखपाल यूपीएसआई की बात करते हैं, फिर 6 बजे शाम को आरआरबी एनटीपी से जुड़ते हुए स्टूडियोज पे, 7 बजे घंटे की शो स्टूडियोज पे, और अभी मैं 12 बजे दोपहर में अनकेडमी पे लेकर आ रहा हूँ डीआरडीओ जीके स्पेशल, अब वहाँ जुड़ सकते हो। 3 बजे से जीएस स्पेशल लेकर आ रहा हूँ, और रात के अभी मैंने सैटरडे से शुरू किया है 10 बजे आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेशन, कहाँ पे? अनकेडमी पे। तो सर आपके पास क्लास की बौछार है, आप जब चाहो रोहित सर के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे स्टूडियोज पे, वाईफाई स्टडी पे, या फिर अनकेडमी पे, ठीक है? आज बात। और देखो दो सर, ये कितने सारे चैनल बनाए गए, कई सारे बच्चा कंफ्यूज है, मैं कहाँ जाऊँ, एसएससी के लिए यहाँ आ जाओ, बैंक के लिए यहाँ आ जाओ। अगर यूजीसी की भी तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, तो सर यूजीसी नेट की फॉर्म भरिए, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप कर सकते हो तैयारी, ठीक है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक का? रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मुख्यालय कहाँ है? सिडनी। सर अगर क्वेश्चन कह दिया जाए ऑप्शन में कैनबरा दे दें, तो आप कैनबरा बनाकर आओगे, क्यों? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश बैंक ढाका। चाइना की बात करें, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, ये बीजिंग है, ठीक है? यूरोजोन, यूरो जो जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं, खासकर 27 देश हैं ब्रिटेन के निकलने के बाद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक है, हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट। यूके की बात करें, बैंक ऑफ इंग्लैंड, हेडक्वार्टर लंदन। जापान की बात करें, बैंक ऑफ जापान, हेडक्वार्टर टोक्यो, देखते चलना। नेपाल की बात करें, नेपाल राष्ट्र बैंक काठमांडू। अब देखो नेपाल में अगर क्वेश्चन दे दे नेपाल रिजर्व बैंक या नेपाल सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल, तो आप बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल मारकर चले आओगे, लेकिन नेपाल राष्ट्र बैंक नहीं बनाओगे। पाकिस्तान की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कराची। और सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरेबियन मॉनिटरी एजेंसी, सऊदी अरब की मौद्रिक एजेंसी, रियाद। कहाँ पे है ये? रियाद में है। कहाँ बच्चे? रियाद में है। दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक, प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका के 3 कैपिटल है, कमेंट बॉक्स में बताना नाम उसका कि कौन कौन सा कैपिटल है 3। श्रीलंका की सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, कोलंबो। और स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विस नेशनल बैंक, ज्यूरिक, जहां पर फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिक। यूएसए, फेडरल रिजर्व सिस्टम, यूएसए का वाशिंगटन डीसी मुख्यालय। फ्रांस की बात करें, बैंक ऑफ फ्रांस, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। तो ये था सर छोटा सा सेशन, जिसमें अब इस वीडियो को एक काम करना, 2 से 3 बार देखना, रटने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, बस स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो अपने पास सेव करके, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो अनकेडमी पे, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, बाबा10 कोड यूज करिए। और सर वहाँ पे जितने क्लास चल रहे हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, या फिर यूपी पीसीएस जो आया है, अपर सबोर्डिनेट की तैयारी करते हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हो, या मध्य प्रदेश व्यापम की तैयारी करते हो, सब में 10% का रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा, ऑफ मिलेगा, अगर आप कोड यूज करते हो बाबा10। तो
कोड यूज करिए और जुड़िए अन अकेडमी के साथ, ठीक है। और ये जो मेरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है आप यहाँ जुड़ सकते हो, कई सारे बच्चे कर रहे हैं, सर आप बिल्कुल प्रचार करते हो, भाई ये इन्फॉर्मेशन है, आपको जहाँ तक मिलता है आप वहीं तक देखो, जिनको ज़रूरत है वो तो कम से कम उनको तो पता चलना चाहिए ना सर सर क्या पढ़ा रहे हैं अकेडमी पे। तो बिल्कुल हिस्ट्री कोर्स अभी लाइव है, इसके बाद मैं दूसरा कोर्स लेकर आऊँगा, तो जुड़िए ज़रूर, आपके जीएस पूरा कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है।